guys, it's Janath, it's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, आज हम react करने वाले हैं on Imran Khan Thug Life, I think Thug Life compilation and some funny moments. तो देखने में बड़ा मजा आएगा. I think he's very candid and काफी bold है वो. And काफी मतलब जब मैंने ये video search की तो इसमें बहुत सारे निकल गए. Videos. बहुत ज़्यादा videos थी. So we had to choose कि कौन सी पे react करें. तो ये सबसे लेटेस्ट वाली थी. दैट इज व्हाई वी हैव चोजन दिस वन. तो आप लोग भी देखिए हमारे साथ. इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक आउट कर लीजिएगा. चलें फिर आओ चलें. कॉपीराइट डिस्क्लेमर. डांस करना. जब फवाद चौधरी को मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनाया तो बड़ी लोगों ने जो फवाद चौधरी की टीवी पे परफॉर्मेंस देखी हुई है बड़ी स्केप्टिसिज्म थी. लोग कहते जी आप साइंस और टेक्नोलॉजी को सीरियसली ले रहे हैं. फवाद चौधरी को आपने बना दिया. यार लेकिन एक अच्छा कैप्टन हमेशा उसको पता होता है किस प्लेयर को किस नंबर पे खिलाना है. जरा वो दूसरा भाई साहब को जरा दिखा दे. ये लंदन में जरा भाई साहब क्यों आप सुन रहे हैं. पटिशन लगी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में. खुदा करे अल्लाह ताला प्रिंट पे पाया फसलों का मुझे अगर खुदा करे अल्लाह ताला प्रिंट पे पाया फसलों का मुझे अगर ख्वातीन रोना नहीं है आपने. अपनी आंखों के आंसू पहुंच रहे हैं. बॉलीवुड भी ऐसी कोई एक्टिंग नहीं कर सकता. मैंने तो इनको सबको देखा हुआ. मुझे तो पता है इनकी पहले हालात क्या थे. मुझे तो पता है ये जिस तरह आप जो देख रहे हैं इसहाक डार को देखें. इसहाक डार का ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर पे कोई मर्सिडीज का शोरूम था. नवाज शरीफ इनकी शरीफ की फैमिली. अब इनकी फैमिली देख लें. इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है. लगता है ये बकिंघम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे. एक नहीं, जो आपकी डिग्री थे जब आपने पढ़ाई कर रहे थे वो मैंने स्टडी किया है. आपको सबसे कम नंबर मिले थे पॉलिटिकल साइंस में. रुको जरा, सबर करो. बोला धक्का मुक्की नहीं करने का. मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर से इसके ऊपर रिसर्च करें. और जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स के पेपर के अंदर मुझे ऑक्सफर्ड के अंदर, ये आप याद रखें कि ऑक्सफर्ड के अंदर सारे ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स जाते थे, उसके अंदर मुझे टॉप सेकंड मिला था. बिलावल जरदारी का आपको नहीं पता इसने काम क्या किया है. दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है. आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है. जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है. खान साहब, जब आपको टीम से पहले मैच में निकाला गया था तो क्या आपने टीम मैनेजर से पूछा था कि आपको क्यों निकाला?
ये भी हमारे शहर में पहली दफा फंक्शन की थी। नहीं नहीं तुम बहुत लेट आए थे। असेंबली में अंग्रेजी में तकरीर कर दी। अब बिलावल भुट्टो क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं फिरे, उनको यही नहीं पता कि यहाँ बड़े कम लोगों को अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी में तकरीर कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में अवाम को अंग्रेजी आती नहीं, और जो अंग्रेजी बिलावल भुट्टो ने बोली वो असेंबली में भी ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आई, खासतौर पर नून लीग और जे यू आई के तो लोगों को मुझे लगता समझ नहीं आई, क्योंकि वो इतने घबराए वो अंग्रेजी सुन के कि उन्होंने गलत तरफ मुंह करके असेंबली में नमाज पढ़ दी। हम मैं फिजा खराब नहीं करना चाहता, मैं माहौल अच्छा रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं माहौल अच्छा रखना चाहता हूँ। वो ख्वाजा आंसर आपके बाप का पैसा है, ये पाकिस्तानी कौम के पैसे की आप बात कर रहे हैं? आपके बाप का पैसा होता तो आप माफ कर देते लोगों को। नौजवान ये वो बिना साहब तो नहीं आ रहा। खत्म खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। राहुल गांधी का तो अलग ही है यार एंडिंग, बड़ी सही थी। मजा आया देख के यार, बड़ा मजेदार है। मैं इनके और भी वीडियोस देखना चाहूंगी, जैसे ना पुरानी ठग लाइफ भी देखना चाहती हूँ, देख लेंगे। बहुत सही है, बड़ा मजा। So guys, हाँ, बड़ा मजा आया, बड़ा कैंडिड नेचर था ये। तो मैंने थोड़े बहुत स्पीच तो मैंने सुने थे, तो मतलब मेरे को थोड़ा आइडिया था, पर इतना फनी होगा ये नहीं पता था मुझे। बट दीज आर वेरी फनी, जैसे वो सार्कास्म कर रहा है, तंज कर रहा है, सीरियल देखते हैं कैप्टन सार्कास्म में तंज होता है, जैसे वो तंज कर रहे थे, तो बड़ा मजा आया। बहुत ही बेहतरीन तरीके, जैसे बिलावल भुट्टो की भी बिलावल भुट्टो मुझे सही बड़ा लगता है, स्मार्ट है ना। हाँ, लेकिन बड़ा मजा आया। आई थिंक एक एक चीज, एक एक वर्ड बहुत ही सोच के बोला हुआ था, एंड इट केम आउट रियली फनी, एंड द वे ही एक्ट, जैसे एक्टिंग माहौल सही रखना चाहता हूँ, तो ये मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि जो लोग लीडर्स होते हैं ना उनको बहुत अच्छे ओरेटर्स होना पड़ता है, और बहुत ही विटी भी होना पड़ता है, एंड ही इज एवरीथिंग। तो बड़ा मजा आया ये देख के, एंड डेफिनेटली एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमारा ये देखने में। So guys, this was our reaction. We really hope that you liked it. And if you did, this video ko like kar do, leave jaane lovely comments, and don't forget to subscribe to our channel, guys. So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.